तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आईपीएस आईएएस आरएएस के साथ ही पुलिस विभाग में भी तबादला लिस्ट जारी कर दी गई है। 336 आरएएस के ट्रांसफर पुलिस महकमे में बदलाव का दौर जारी है। 53 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए। जयपुर पुलिस कमिश्नर बने हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ। आनंद श्रीवास्तव को भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी मिली है। 3 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। तो वहीं आईएएस भानु प्रकाश एटरू गृह सचिव बने हैं। आईएएस वी सरवन कुमार आयुक्त विभागीय जांच जयपुर में उन्हें जिम्मेदारी मिली है। आईएएस उर्मिला राजौरिया संभागीय आयुक्त बीकानेर और आईएएस मेघराज रत्नू को प्रबंध निदेशक राजखट का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 336 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए। गजेंद्र सिंह राठौड़ को राजस्व अपील अधिकारी लगाया गया। अजमेर माताधीर मीणा अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन वाणिज्य कर विभाग में। जुगल किशोर मीणा को संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास आवासन विभाग। अजित सिंह राजावत को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर लगाया गया है। तो ब्रजेश कुमार चांदोलिया को हाउसिंग बोर्ड में सचिव लगाया गया है। इसके अलावा मेघना चौधरी अति महानिरीक्षक मूल्यांकन पंजीयन मुद्रांक विभाग अजमेर में लगाया गया। ओम प्रकाश तृतीय को अतिरिक्त निदेशक खान भूगर्भ विभाग उदयपुर लगाया गया। मदनलाल नेहरा को निदेशक प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में लगाया गया। ये तमाम नाम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी अब नई तौर पर ये निभाते नजर आएंगे। जयनारायण मीणा का नाम भी है जिन्हें एडीएम प्रथम जोधपुर में लगाया गया है। फिलहाल कार्मिक विभाग द्वारा ये आदेश जारी किए गए। आरएस अधिकारियों के तबादले भी हुए जिनमें आरएस गजेंद्र सिंह राठौड़ हैं। राजस्व अपील अधिकारी अजमेर जिम्मेदारी सौंपी गई। आरएस माताधीन मीणा है अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग जयपुर। आरएस जुगल किशोर मीणा संयुक्त शासन सचिव आवासन विभाग जयपुर। आरएस अजीत सिंह राजावत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर। तो ये तमाम नाम आप तक गिना रहे हैं और सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी हमें दे रहे हैं। ये लिस्ट देर रात जारी हुई थी ऋतुराज, और अब ये नाम सामने आ चुके हैं। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले नाम बता रहा है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए होंगे जिन पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए पूनम, जो इस सूची को अगर विश्लेषण करें तो एक अनोखा संयोग यहाँ पर नजर आता है कि जो एडीएम जोधपुर का जो पद है उसमें 1998 बैच के अधिकारी जो आरएएस हैं, तीसरे आरएएस अधिकारी जयनारायण मीणा 1998 बैच से ही लगाए जा रहे हैं। तो यह एक अनूठा संयोग है। इससे पहले विवेक कुमार और अन्य ने यह जिम्मेदारी संभाली थी। तो 1998 बैच का यहाँ पर इस पद विशेष पद के लिए प्रभुत्व देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ही जो जयपुर कलेक्ट्री में भी खासा बदलाव करने की कोशिश की गई है। अगर हम बात करें तो जयपुर में जो बड़े बदलाव जो किए गए हैं कलेक्ट्री स्तर पर उसको देखते हुए फोकस तो यहाँ पर नजर आता है। और गौरव बाकावत को जयपुर शहर में जहाँ सहायक कलेक्टर द्वितीय बनाया गया है, तो वहीं मनीषा चौधरी का जयपुर शहर सहायक कलेक्टर पद से तबादला तो किया गया है, लेकिन साथ ही उन्हें कलेक्ट्री में ही आमेर जयपुर प्रथम पद पर मुख्यालय में ही पोस्टिंग दे दी गई है। इसी तरह से जो सुनील शर्मा प्रथम थे इस पद पर, उन्हें अब जयपुर शहर में सहायक कलेक्टर यानी कि वाइस वर्सा यहाँ पर तबादला देखने को मिला है। तो कलेक्ट्री स्तर पर ये बड़ा फेरबदल है। इसके साथ ही अलका विश्नोई है वो एडीएम जयपुर उत्तर की जिम्मेदारी संभालेंगी। कलेक्ट्री स्तर पर यह भी एक बड़ा फेरबदल है क्योंकि चुनाव है, तो चुनाव के लिहाज से जो प्रशासनिक मजबूत प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती वह यहाँ पर देखने को मिली है। इसी तरह से भगवत सिंह है एडीएम जयपुर चतुर कलेक्ट्री में, यह अहम जिम्मेदारी यहाँ पर संभालेंगे। वहीं अबू सुफियान चौहान एडीएम जयपुर शहर दक्षिण की संभालेंगे जिम्मेदारी। तो यह ये बड़े नाम है और कलेक्ट्री स्तर पर आमूलचूल फेरबदल यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, प्रशासनिक तौर पर ये फेरबदल बेहद मायने रखता है, लेकिन इसके सियासी मायने क्या है ये भी जान लेते हैं। ऋतुराज बने रहेगा हमारे साथ, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत चुनौतीपूर्ण कुछ फैसले थे जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लिए गए हैं, जिसमें बीजू जॉर्ज जोसेफ का नेम है, आनंद श्रीवास्तव जी का नाम है। इसके अलावा ये 336 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, आईपीएस के हुए हैं, एसपी के हुए हैं। वक्त बेहद कम है,
सियासी मायने भी अब निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि प्रशासनिक महकमे में हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों पर विश्वास एक बार फिर से जताया गया है। पूरा लंबी चौड़ी सूची आप देखते हैं, और ताजा चुनाव से पहले बड़ा पूरा तंत्र बदला गया है। कारण भी वो होता है कि कई लंबे समय से जमे हुए जो अफसर हैं उनको फिर से उधर किया जाता है, गाइडलाइन के तहत भी होता है। तो कहा जा सकता है कि पूरा प्रशासनिक बेड़ा यहाँ बदला गया है। अफसर जो लंबे समय से एक जगह पर थे, नए अफसरों को लाया गया, उसका भी मकसद यही है। और बात है कि मौजूदा कांग्रेस की सरकार, आपको ध्यान होगा कि एक बार सरकार सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से ही चली गई। सरकार का एक पहला जो कार्यकाल था, पहली बार जो सरकार बनी थी अशोक गहलोत की अगुवाई में, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी से चली गई। लंबी हड़ताल एक देखने को मिली थी उस समय राजस्थान, हर अफसरशाही हो चाहे हो, तमाम जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी जो तंत्र है वो अशोक गहलोत ने कहा जाए तो फाते देने का काम किया है, और कहा जा सकता है कि साध के रखा है। और अब इसका राजनीतिक किस तरह चुनाव में मिलेगा सबसे अहम होगा। अभी तक साधने की बात है, चाहे ओपीएस जैसी स्कीम सरकार लेके आई हो, इसके अलावा कर्मचारियों की जो बड़ी डिमांड थी उनको हल करने का काम किया जाए, प्रशासनिक अधिकारियों को हल करने का काम किया जाए। पहली सरकार होगी कार्य से और ऐसे तुरंत उनका करके आइए लाया गया, उनको करेक्टर लगाया गया, और सबसे ज्यादा होकर आइए इसमें आर एस जो बने राजस्थान ही वो स्टेट होगा मेरे हिसाब से, पूरे देश के अंदर यहाँ पर राजस्थान या स्टेट प्रशासनिक सेवा से आईएएस के अंदर जल्द से जल्द उनका प्रमोशन होता है, और उसके बाद वो उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती। कहा जा सकता है कि आर एस अधिकारी है, आरपीएस अधिकारी है, उन पर भरोसा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने ज्यादा जताया है, और इसका तथ्य यही है कल जो समझ होती है लाभ सरकार को मिल सके। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये भी रही है, ये जो बहुत कम समय बचा है और सबसे ज्यादा आउटपुट इस कम समय में ही देना है, लोगों को जिनका डिलीवरी बहुत ही अच्छी है और जो संजीदा और बहुत गंभीरता के साथ जो काम करते हैं, सरकार की जो महती योजनाएं हैं वो जनता तक उनका सीधा लाभ पहुंचे, ये काम सरकारी अधिकारियों के जरिए होता है। उस जगह पर तबादले वहां की राजनीतिक कारणों से किए गए हैं, चाहे वो वहाँ की विधायक की सिफारिश हो, चाहे वो वहाँ पर जो वहाँ प्रभारी मंत्री हो, यहाँ तो वहाँ के स्थानीय प्रभावशाली की लीडरशिप ने अगर निवेदन किया हो, आग्रह किया हो, या किसी अधिकारी की शिकायत हो, तो उस आधार पर भी यहाँ पर तबादले हुए हैं। और क्योंकि अब जब इनमें से अधिकांश अधिकारी वो होंगे जो चुनाव तक वो अपनी ड्यूटी उस इलाके में निभाएंगे, यहाँ उनका तबादला किया गया है, ये बहुत ही अहम बात होगी कि वो उस चुनाव के दिन तक भी वहां पर उनकी मौजूदगी रहने वाली है। जा सकता है कि इसको चुनाव के निष्पक्ष रहना होता है, उससे पहले तक कांग्रेस सरकार का मैंडेट पहुंचाने का काम जनता के बीच करते हैं। महंगाई राहत के हम नए सिरे से परवान चढ़ाने की जो जरूरत सरकार ने की है, कुछ दिनों बाद अशोक गहलोत फील्ड में हमें नजर आने वाले हैं, तो ये कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र उससे पहले सुस्त कर ले, और कहा जा सकता है कि को ठीक रहे प्रशासनिक तंत्र को ठीक करने की नजरिए से, चुनावी मोड में लाने की नजरिए से बड़ा एक घटा खाका खींचा गया है, बड़ा फेरबदल यहाँ पर नजर आया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल कहा आपने, शुक्रिया, बनी रहेगा हमारे साथ।